दोस्तों, मैं हूँ बंटी कोहली और अपने चैनल बंटी कोहली स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको क्लास 12th के मैथ का सेकंड चैप्टर त्रिकोणमिति फलन की एक्सरसाइज 2.1 करा रहा हूँ। दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स -1/2 =y, इनके मुख्य मान बताने। तो दोस्तों, साइन इनवर्स को पक्षांतर कर दिया तो साइन वाई बराबर -1/2। -1/2 माइनस और 1/2 मान होता है पाई बाई 6 का दोस्तों, तो ये -π/6 हो गया। तो दोस्तों, अगर हम जानते कि साइन -θ बराबर साइन थीटा होता है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कोसेक इनवर्स 2/2। तो साइन बाई बराबर 2 हो जाएगा, कोसेक बाई बराबर सॉरी 2, और 2 होता है π/6 का आंसर, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, टेन इनवर्स -√3 = y। तो टेन वाई बराबर -√3 और -10π/3 का मान होता है √3, क्योंकि टेन का मान माइनस क्यों हम जानते हैं कि टेन इनवर्स -θ -10θ होता है, तो -10θ बराबर -10 यानी कि π/3, ठीक है ना दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -1/2 = y। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए कॉस वाई बराबर -1/2 और ये हो गया -cos π/3। अब हम जानते हैं दोस्तों कि कॉस की वैल्यू 0 से पाई के बीच में रहती है, जो कि मैंने कल आपको परसेवल रेंज बताई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर कॉस पाई -π/3 करेंगे तो ये दोस्तों 2π/3 हो जाएगा, जो कि 120 अंश होता है, जो कि पाई और 0 के बीच में लाई करता है। इसके बाद दोस्तों, ये 9वां क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं ज़्यादातर उन क्वेश्चंस को करा रहा हूँ जो कि थोड़े टिपिकली क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो ये 9वां क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स -1/√2 = y। तो कॉस वाई बराबर -1/√2, तो 1/√2 का कॉस में वैल्यू होता है π/4 पे होता है माइनस, क्योंकि कॉस का 0 से पाई में परिसर होता है, तो ये पाई -π/4 यानी कि दोस्तों ये 3π/4 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, ये